आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। और अब खबर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर फिल्म ऑल इंडिया रिलीज। गोंदिया में टॉकीज हुआ हाउसफुल, भारी उत्साह से हजारों की भीड़ उमड़ी। आपको यहां जानकारी दे दें, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर फिल्म को लेकर हमने 22 मार्च को एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें फिल्म से संबंधित सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई थी। ये फिल्म 8 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ट्राइबल न्यूज के महाराष्ट्र अंचल ब्यूरो चीफ सतीश पारधी। जनाब, मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए खास अधिकार और रिजर्वेशन चाहिए। ऑल्सो वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। ओके। नो सर, मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। मिस्टर नेहरू, दिस इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉलिंग फॉर डिस्कशन, नॉट फॉर वॉर। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर अम्बेडकर, आप क्या चाहते हो? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, हमें छोने से भी स्वर्णों का शरीर अपवित्र होता है। हम रास्ते पे सिर उठा के चल नहीं सकते। यही नहीं, हमें पढ़ने का, बोलने का, यहाँ तक कि हमें धन अर्जित करने का भी अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, हमारे बहू बेटियों को ढंग के कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं। क्या हम इस भारत के रहवासी नहीं? अगर है तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? क्यों हमें पानी पीने नहीं दिया जाता? क्यों हमें जानवर की तरह गुलाम बना के रखा गया है? डॉक्टर भीमराव, आप देश के खिलाफ में विद्रोह कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम अपने देश हित को चुनूंगा, और अगर कहीं मुझे मेरे देश हित और समाज हित में किसी एक को चुनना होगा तो मैं सबसे पहले अपने समाज हित को चुनूंगा, क्योंकि पिछले 3000 वर्षों से मेरा समाज इस गुलामी की नरक भरी जिंदगी जी रहा है। आई वॉन्ट दिस स्पेशल राइट फॉर माई कम्युनिटी, और वो है स्वतंत्र मतदार संघ। सर, दिस इज, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप यहाँ बैठकर मेरे देश को बांट नहीं सकते। चंद गांधी, मैं भारत से यहाँ हरिजनों के प्रश्न रखने आया हूँ। बट मिस्टर गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज अ लीडर ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी। नो, जब से अम्बेडकर पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम हरिजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। स्टॉप इट गांधी जी, डोंट से हरिजन, वी आर फ्रॉम अनटचेबल कम्युनिटी, अस्पृश्य, वो भी वर्णभेद व्यवस्था ने बनाया है। रही बात लीडर की, तो मैं अस्पृश्य का लीडर हूँ मिस्टर गांधी। देखो भीमराव, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ भारत से सभी लोग तो आए हैं, उन्हीं से पूछ लो। ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट वेरी वेल, यू आर अ लीडर ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी। ओके, मान भी लिया जाए, लेकिन मुझे स्वतंत्र मतदान संघ बिल्कुल मंजूर नहीं है। बट आपके मानने से क्या होगा? मैं दूंगा। बाबू अम्बेडकर, यस, हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 14 अप्रैल को पूरा देश संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाएगा। जन्म दिवस से ठीक कुछ दिनों पहले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्होंने भारत देश के लोकतंत्र को आत्मा यानी संविधान दिया, उनके संघर्ष और देश के लिए किए गए अविस्मरणीय कार्यों को लेकर एक फिल्म प्रदर्शित की गई। आइए आपको दिखाते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर फिल्म से जुड़ी ये खास खबर गोंदिया से। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ऑल इंडिया रिलीज। गोंदिया टॉकीज में हाउसफुल, गोंदिया में भारी उत्साह, हजारों की भीड़ उमड़ी। मुंबई के कबीरदास द्वारा लिखित निर्माता मंजीत नगर तथा मुंबई गोंदिया के कलाकारों द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब फिल्म में
जबरदस्त रोल से भारी जनसमूह भाव विभोर हो गया। फिल्म शो का उद्घाटन विधायक विनोद अग्रवाल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने किया। फिल्म में अभिनेत्री संध्या सिंह, संजय भास्कर, विजय बहिकार, सुनील भाले राव, रिया सैयद, सतीश पारधी, संतोष लीलारे, मस्तान शाह, राहुल तिवारी आदि कलाकारों के जबरदस्त रोल फिल्म में दिखाए गए। लेखक कबीर दा द्वारा बताया गया कि फिल्म महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में 36 जगह एक साथ रिकॉर्ड बना रही है। स्थानीय आर्किड होटल में जॉली फिल्म एंटरटेनमेंट निर्मित पटकथा। लेखक कबीर दा मुंबई तथा निर्माता मनमीत सिंह नायर, छायांकन सुमित सोनी, विनित गजभिये, अनेक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत फिल्म 8 अप्रैल को गोंदिया के प्रभात टॉकीज में प्रदर्शित की गई। फिल्म के निर्माता, लेखक, कलाकार में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमिका संजय भास्कर, नेहरू की भूमिका में सुनील भाले राव, ब्रिटिश विजय बहेकर, ब्रिटिश पत्रकार सतीश पारधी, रियाज भाई सैयद, अनेक फिल्म कलाकार प्रमुखता से इसमें उपस्थित थे। संध्या सिंह जी, आप बहुत बड़ा किरदार आपने निभाया है दामाद रामा का, बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जिसका इंतज़ार हम सब काफ़ी टाइम से कर रहे थे, कोरोना की वजह से जो थोड़ा डिले हो गया था रिलीज़ होने में, तो आज फाइनली वो रिलीज़ होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हुई है देखने के लिए कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। मुझे मालूम है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन फिर भी मैं सबके रिव्यू उनके मुँह से जानना चाहूँगी। थैंक यू। अर्ज का किरदार था अच्छा, और जो भी किरदार अच्छा हुआ, अम्बेडकर पिक्चर अच्छी बनी हुई है अच्छा, और पूरे इंडिया में इसका अच्छा कलेक्शन होगा अच्छा, और बहुत अच्छा नए नए इशू इसमें पब्लिक को देखने को मिलेंगे। हमारा 1932 में गोलमेज परिषद का यह सीन था जिसमें हमने अच्छे से निभाया। भास्कर जी, ये बाबा साहब अम्बेडकर का मैं चरित्र यहाँ पर लेकर, एक तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम और इतने महान व्यक्ति का चरित्र साकार करते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है। ये मेरा पहला फिल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो शूटिंग में बाबा साहब की लाइफ किया, मुझे जीने का मौका मिला। मैं कबीर सर का अपने दिल के अंतिम कोने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका दिया और बाबा साहब अम्बेडकर के चरित्र साकार करने का मौका दिया। ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है और मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म को देखें। एक मिनट रुको, एक मिनट खड़े रहो, आप रुको ना, एक मिनट रुको और एक बार घुमा देते ना, एक बार घुमा देते ना। अच्छा लो, आप घुमा दो। भारत देश की आत्मा यानी लोकतंत्र के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करती इस फिल्म को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ट्राइबल न्यूज नेटवर्क भी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फिल्म की पूरी यूनिट को अपनी शुभकामनाएं देता है। महाराष्ट्र गोंदिया से ट्राइबल न्यूज के लिए सतीश पारधी की रिपोर्ट। ट्राइबल न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक कम्युनिटी है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के हैं। और ये गोंदिया में जो मुझे कुछ आर्टिस्ट जो बहुत ही अच्छे मुझे साथ दिए, एज लगा संजय जी भास्कर बाबा साहब की भूमिका में, पंचम चार्ज ब्रिटिश प्रेसिडेंट विजय जी भाईकर साहब,
साथ में यहाँ के नेहरू जी, हमारे नेहरू जी, यहाँ के जो पिंडर जी होंगे और काफ़ी और भी कराऊंगे। मेरे साथ में जुड़े हैं संजय सिंह जी जो मुंबई से मेरे साथ में आएंगे, रमा अकेडमिका में गांधी जी। मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रफुल पटेल साहब से मुंबई से विनती करूँगा एज अ डायरेक्टर, एज अ समाज के एक लड़के के नाते और बाबा साहब के एक सच्चे लड़के के नाते, बच्चे के नाते, एक लेखक दिग्दर्शक के नाते मैं अपने पूरी टीम के तरफ से एक विनती करूँगा माननीय प्रफुल पटेल साहब जी से कि कृपया हमारी फिल्म को, ये फिल्म जन जन तक जाए, देश और भारत के कोने कोने तक जाए, इसलिए ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि सेंट्रल से भी कर मुक्त होना चाहिए। ये हम आम जनता ने मिलकर बनाई हुई फिल्म है और इसमें सच्चा बाबा साहब दिखाया गया है, पहली ये भारत की बायोग्राफिकल फिल्म है। तो आप कृपया जाए और थैंक्स फॉर सर्विस पार्टी। और आप लोगों से विनती है कि गोल सिनेमा और प्रभाटो फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने में जाए और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाए। जय भीम, जय भारत।